यहा सिनवार इज डेड, ही वाज किल्ड इन यहा सिनवार मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के बहादुर सैनिकों ने राफा में उसे मार गिराया है। हमास शीफ यामहा सिनवार के खात्मे के बाद अब इसराइल और हमास के बीच करीब एक साल से जारी जंग की समाप्ति को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध समाप्ति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 17 अक्टूबर को यामहा सिनवार के मारे जाने के बाद एक वीडियो जारी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो हमास के साथ जारी युद्ध को कल ही खत्म कर देंगे, लेकिन इसके लिए हमास को हथियार डालना होगा और उन बंधकों को रिहा करना होगा जो उनके कैद में। ऐसे में अब सबकी नजर हमास के अगले कदम पर है। युद्ध में इजरायली सेना ने हमास के कई बड़े नेताओं को मार गिराया है। ऐसे में भी अगर हमास पीछे नहीं हटता है तो हो सकता है कि इजरायल उसका नामो निशान मिटा दे। यामहा सिनवार के मारे जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया और कहा, यामहा सिनवार मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के बहादुर सैनिकों ने राफा में उसे मार गिराया है। हालांकि ये गाजा में जंग का अंत नहीं है, बल्कि ये अंत की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरा एक सिंपल मैसेज है, ये युद्ध कल समाप्त हो सकता है। अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे तो ये खत्म हो सकता है। हमास ने गाजा में 101 लोगों को बंधक बना रखा है, जो 23 अलग अलग देशों के नागरिक हैं। इसराइल के नागरिक तो हैं ही, लेकिन कई दूसरे देशों के भी नागरिक हैं। इसराइल उन सभी बंधकों को घर लाने के लिए हर संभव कोशिशों के लिए प्रतिबद्ध है, और इसराइल उन सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देगा जो हमारे बंधकों को वापस लौटाएंगे। ईरानी शासन ने अपने ही लोगों और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के लोगों पर जो आतंक का शासन थोप रखा है उसका भी अंत होगा। मिडिल ईस्ट में समृद्धि और शांति का भविष्य चाहने वाले सभी लोगों को बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ मिलकर हम अंधकार फैलाने वाली ताकतों को दबा सकते हैं और हम सभी के लिए एक प्रकाशमय और आशा से भरी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इधर अमेरिका भी सिनवार की हत्या से काफी खुश है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और बधाई दी। इसके अलावा युद्ध को लेकर आगे की योजना पर विचार साझा किया। बातचीत के दौरान बाइडेन ने भी बंधकों की रिहाई को सबसे ज्यादा वरीयता दी और इस पर जोर देते हुए कहा कि हमारा अगला लक्ष्य उनकी रिहाई है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल में हुए हमले के पीछे यामहा सिनवार ही मास्टरमाइंड था, जिसे मारने के लिए IDF सालों से इंतजार कर रही थी, जो आखिरकार 17 अक्टूबर यानी एक साल 10 दिन बाद उनका ये मिशन पूरा हुआ। नए झटके से हमास को काफी चोट पहुंची होगी, क्योंकि इजरायली सेना ने पहले ही हमास के चीफ इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को मार गिराया था। इसके बाद उसके सहयोगी समूह हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह को भी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने मार गिराया था।